नमस्कार मत को स्वागत करछि मु कमलाकांत। आज जो आम प्रसंग रही कौन कहले डीएफओ जो बहुत चर्चित सौम्यरंजन मृत्यु मामलें बहुत बड़ खुलासा हाँ जाऊँगी जितेबाला डीएफओ को पचरा उचरा चली आम नजर रही तेज बर्तमान जहाँ बड़ खबर आसूरी हॉकी खेलाड़ी सुंदरगढ़ पहुँची सारी सीधा सड़क आप दृश्य देखिपे हॉकी खेलाड़ी जो मैंने ओडिशा सह भारतर ना एमाने रोशन करी से माने कराची घर वापसी होई सुंदरगढ़ से देखूँ किभली भाव में स्वागत करा जाउछि पूरा सुंदरगढ़ कहबी सारा ओडिशावासी वर्तमान स्वागत करूछंती सीधा सड़क दृश्य देखि पारुछंती जेतले भारतीय टीम रो उभय महिला और पुरुष टीम रो जो रही थे ओडिशार खिलाड़ी से माने वर्तमान पहुँची सारी स्वागत करा जाउछि लोक माने स्वागत करूछंती खचाखच भिड़ मध्य रही कारण एत वर्ष अपेक्षा पर भारत को जो सफलता मिली ओलंपिक्स रे से ओडिशा जो खिलाड़ी रही सेमानकर बहुत बड़ भूमिका थिला केवल पुरुष ब्रोंज पदक जीति पुरुष हॉकी दल कथा कहबानी महिला हॉकी दल बहुत भल प्रदर्शन करथिला ऑस्ट्रेलिया भली शक्तिशाली टीम को हराइथिला एवं पदक जितबारे समर्थ होइ नथिले भी सेमाने हृदय जितबार समर्थ होइथिले एवं भारतीय पुरुष हॉकी दल ब्रोंज पदक जितिथिला ब्रिटेन को हराइकी ऐतिहासिक मुहूर्त थिला और ये से जो स्टार रही स्टार भितर ओडिशार जा भारतीय हॉकी खेलाड़ी आप झारसुगुड़ा विमानबंदर सीधा सड़क दृश्य देखिपारे भारतीय टीम रे जो ओडिशार खेलाड़ी मैंने रही थे जहाँ को लेकिन आम गर्वित पूरा देश गर्वित से माने एयरपोर्ट रे पहुँची सारी प्राय 40 वर्ष धरी भारतीय मैंने अपेक्षा कर रही थे से स्वर्णिम इतिहास को मन पकाया भारतीय हॉकी दल जहाँ पूरा होता ब्रोंज पदक मिलता एत वर्षर तेज सीधा सड़क जा सागर पट्टनायक झारसुगुड़ा आम सहित जोड़ सागर ए उत्सवर माहौल देखा मिलूँ कारण एत दीर्घ दिन अपेक्षा पर भारत को तो सफलता मिली सहित ओडिशा खेलाड़ी भूमिका गुरुत्वपूर्ण थी आज से स्टार मैंने वर्तमान पहुँची जहाँ जना पड़ी तुम्हें स्वागत पूरा समस्ते उत्सुक रही बर्तमान पाछटी ने निश्चित भाव में आप देखिपे दृश्य को किभली भाव में लोके अपेक्षा कर रही थे दीर्घ दिन अपेक्षार अंत घटी सुंदरगढ़ मटी अनेक दिन अपेक्षा कर रही है जे यटी को किभली गोल्ड ओलंपिक्स वर्ष धर अपेक्षा पर बर्तमान मेडल ओलंपिक रु एवं सुंदर बेस खुशी माहौल रही खास करके जो चारिज सुंदरगढ़ मटीर जो चारिज हॉकी खेला रही पंदर दिन अपेक्षा समय होता है निज मटी को फेरी मटी को किभली भाव में स्वागत करा स्वागत करने लोके किभली भाव में भाव में देखिपार जहाँकि हॉकी को सुंदरगढ़ रो गढ़ कहुए तेणु सुंदरगढ़ हॉकी को लेकिन रही सुंदरगढ़ एक प्रकार जो हॉकी जो पुणी फेरी पाई सुंदरगढ़ लोके भारत रे सुंदर हॉकी गोल्डन एरा वर्तमान आरंभ हो एवं भारतीय सुंदरगढ़ रो अवदान जो सागर समस्त चार खेलाड़ी वर्तमान पहुंची सारे चारिज हॉकी प्लेयर वर्तमान पहुंची सारे आप सीधा सड़क लाइव दृश्य देखिपे से वर्तमान एयरपोर्ट रे पहुंची सारी पुष्पगुच्छ दे विभिन्न सामाजिक अनुष्ठान स्वागत कर प्रशासनिक अधिकारी मध्य रही चारिज प्लेयर मान जो गाँव रोके रही स्वागत करवर्ग रही तेणु निश्चित भाव खुशी माहौल रही दीर्घ दिन अपेक्षा आज अपेक्षार आज अंत रही झारसुगुड़ा एयरपोर्ट रु से बाहरी वर्तमान सुंदरगढ़ रो पारिजात पार्क निकट को जी पारिजात पार्क रे एक खोला जीप जरिया नगर परिक्रमा कर कारण सुंदरगढ़ रो लोके अपेक्षा कर रही झलक देखिए बोली तेणु नगर परिक्रमा करा स्थानीय विकास भवन ठारे एक संवर्धना सभार यही चारिज खेला योगदान करेंगे आप सीधा सड़क दृश्य देखिपे वीरेन्द्र लाक्रा रही अमित रोहिदास रही दिव्य समस्ते
ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। स्टार्ट आग को निश्चय नेक्स्ट ओलंपिक रे निश्चय टीम भल कर बहुत खुशी लगुच जो हिसाब से स्वागत कर बहुत खुशी लगुच खुशी रो माहौल रही थी ना निश्चय बर्तमान ओलंपिक आगु आम एशियन एशियन गेम्स अच्छी कॉमनवेल्थ अच्छी तो आम स्टेप बाय स्टेप जी जमी आम जब एशियन गेम्स भल करुँ जितुचु ताले डायरेक्ट आम ओलंपिक पे क्वालिफाई कर एका थोरे न जाई कि स्टेप बाय स्टेप आमे निश्चय निश्चय बहुत खुशी बहुत दिन हेलाने घर को जाई पारने तो आज जाउछे मु बहुत खुशी अछि। थैंक यू वीरेंद्र प्रथम मैच पर कोन हेतला भलो प्रदर्शन दैतिले ना निश्चय टीम स्टार्टिंग रु भलो प्रदर्शन करथला किंतु गोटे मैच जोटा ऑस्ट्रेलिया मैच थिले सेटा आमे भलो खेल नथिलु किंतु तापरे जो बाकी मैच थिला टीम भलो परफॉर्मेंस कर मोटिवेशन कोठु आसिला निश्चय पूरा देशरु मोटिवेशन आसतला जेंति आपण जानतो सेमीफाइनल लूज कला परे आपण जानिबे कि ब्रोंज मेडल मैच ताठ अधिक कष्ट होता है ना तो पूरा मानने प्रधानमंत्री को कल आसला आम सीएम नवीन सार को कल आसला तो पूरा देश मानने जिते बड़े सपोर्ट कर तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आसी जाए निश्चय ए टाइम अच्छी आम प्रिपेयर होग को भल कर। थैंक यू शुणुते सीधा सड़क वीरेन्द्र लाक्रा जी उपअधिनायक अच्छा आमर भारतीय महिला भारतीय पुरुष हॉकी दल से सीधा सड़क प्रतिक्रिया रखुते जे कि भाव में ऑस्ट्रेलिया सांगे जिते बड़े एक साथ भारत पराजय शिकार होता है तापर मोटिवेशन जो भाव में समग्र भारत सपोर्ट मिलता भलपाइवा मिलता से अनुप्राणित हुई टीम आहुरी भल प्रदर्शन करा वीरेन्द्र लाक्रा कहते बर्तमान से आरंभ कर सुंदरगढ़ अभिमुखे सुंदरगढ़ पारिजात पार्क एक खोला गाड़ी जोगे नगर परिक्रमा करा दृश्य देखाउथिले झारसुगुड़ा एयरपोर्ट रो जोंटी भारतीय हॉकी खिलाड़ी फेरी ओडिशा रो स्टार भारत रो स्टार एवं ओलंपिक्स रे भारत पई जो प्रदर्शन करथिले भारतीय टीम करथिला सेथरे एमानको भूमिका मध्ये जथेष्ट बहुत गुरुत्वपूर्ण रही है आज तक स्वागत मिली से वीरेन्द्र लाक्रा कथा शुणुते से मैं कहते जे पूरा देशर तक मिलता सपोर्ट मिलता से भल प्रदर्शन करगर भल प्रदर्शन जारी रखे तेज आम जो प्रसंग रही फेर कौन कहले डीएफओ एक उपर सारा राज्य नजर रही कारण पुणि थे क्राइम ब्रांच तक पचरा उचरा कर पुणि थे जो गत काली वीडियो वायरल होता जितेबाला मृत्युकालीन जमानबंदी बेले उपस्थिति को लेकिन चर्चा होता आज पुणि थे पचरा उचरा कर सीधा सड़क सिमिला जावा आम प्रतिनिधि रही मनोज रही मनोज पुणि थे पचरा उचरा कर समस्त नजर आग को से कौन कथ कही आज जो पचरा उचरा कर माराथन पचरा उचरा कर से आउ कौन नुआ तथ्य सामना कारण गत काली जो वीडियो सामना को आसीला सन्देह अधिक बढ़ीला से जिलापाल भूमिका सन्देह घर को आसूरी आज जो पचरा उचरा चली वर्तमान भी पचरा उचरा चली कि आउ किसी नुआ तथ्य सामना को आसूच कि देखो कर्मकांत आप जो कथा कहले एसीएफ समीर रंजन मृत्यु को पाखापाखि देढ़ मस बीतीगलाने कि एपर्तंतर मृत्युर रहस्य पुलिस कि तदंतकारी टीम उन्मोचन कर पारा ना समीर रंजन मृत्यु पर जहाँ पर लोके अभोग सीधा सड़क आनीकर डीएफओ जी अच्छा डीएफओ और बो विद्याभारती ऋषिया नाँ से अभोग आने षड़ कर पुह को मारी कि परवर्त मुहूर्त तदंत प्रक्रिया पुलिस गोटे मस धरी करता कि कौन सी तदंत प्रक्रिय सफलता पाइन किंतु तापरे जहाँ पर लोके परवर्त मुहूर्त अभियोग करते डीएफओ को बचाई जंगल मंत्री एवं जिलापा सहयोग रोचा तदंत परस आने दाबी करते क्राइम ब्रांच कि सीबीआई तदंत दाबी करते कि जो पुलिस विफल है मैसे पर क्राइम ब्रांच तदंत भार नहीं पर लोक आम प्रतिक्रिया नहीं क्राइम ब्रांच नहीं खुशी थी भी भरोसा कर पार ना क्राइम ब्रांच तक न्याय दबो जहाँ
ଯାହା ସେ କହିଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନ୍ୟାୟ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାହା ଭରସା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ପ୍ରଥମରୁ ଯେସବୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ପୁଲିସ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ସେସବୁ ତଦନ୍ତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇନଥିଲା, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଯାହା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ମାସେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିତିଗଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ପୁଲିସ ଆଣିପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଥରେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏଭଳି କାହିଁକି କରୁନଥିଲା, କୌଣସି ଚାପରେ ରହିକି ବା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କି? ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁନଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲା? କାରଣ ଯଦି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦୁଇଥର ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି, ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା? ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଆଜି ଜେରା ଚାଲିଛି, ଜେରା ପରେ ହୁଏତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ କ'ଣ ସେ ବୟାନ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଡିଏଫ୍ଓ ଜଣେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବାକୁ ହେଲେ ଯାହା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ରହିଥିଲା ଯେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏବଂ ତାପରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଣାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲାନି କି ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରାଗଲାନି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ପୁଲିସ ବିଫଳ ହେଲା ପରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଇଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କମଳାକାନ୍ତ, ନିହାତି ଭାବରେ 6 ଦିନରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେତେ ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ସେତିକି ନୂଆ କ୍ଷୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିଛି, ପୋଲିସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କଥା, ଉଭୟ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା ତେବେ ପୁଣି ଥରେ କାହିଁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି? ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ପୋଲିସ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କରିପାରୁନଥିଲା? କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛି? ତ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ବହିଷ୍କାର କଥା କହିଲେ, ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କିଭଳି ହେବ? ସାଧାରଣ ଜନତା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ନ କରାଯାଏ ବା ଏ ପଦବୀରେ ସେ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଆଗେଇବ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା, ପୁଲିସ ତାର ବୟାନରେ କହିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ଥିଲେ, ତତ୍କାଳୀନ ଏସ୍ପି ଥିଲେ, ସେ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ବୟାନ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ଦିନ ତଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ମେଡିକାଲ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ଯେ ଡିଏଫ୍ଓ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଡିଏଫ୍ଓ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଦିନ ଫେରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ମତରେ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ସିଧାସଳଖ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଜପତିରୁ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଜେରା ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜେରା ଚାଲିଛି କି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି କି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି? କାରଣ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଡିଏଫ୍ଓ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ, ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି, କିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ମିଳୁଛି କି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଜେରା ଚାଲିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଡିଏଫ୍ଓ ଯେଉଁ ଯାହା ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି ଏବଂ ଅଭୟ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଯାହା ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କ ପୋଲିସ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଡାକି ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜେରା କରିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଯାଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ନେଇଥିଲୁ ମଧ୍ୟ। ତାକୁ ପଚାରିବା ପରେ ସେ କହି ଡିଏଫ୍ଓ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ, ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ
मृत्युकालीन जमानबंदी लेखा जहाँ उठूला भाइराल होता गोटे भिडटी जो थी डीएफओ से बसी देख देखा जाता है और डक्टर लिखुते जहाँ तहसीलदार डाकुले से समय डीएफओ से उपस्थित थे से प्रश्न उत्तर जे डीएफओ दे मुझे बसी थी कि जानी नहीं जे मृत्युकालीन जमानबंदी एपरी आल देखा जो घटना मिलमिशी चापी दे तार गोटे प्रश्न सठिक भाव देना जंगल विभाग मंत्री सीधा सड़क हाथ रही जो डीएफओ महाशय स्वइच्छार कार्यकलाप कर गजपति जिले में और कौन गणमाध्यम कौन प्रश्नर उत्तर दौना को बड़बड़िया बाबू को चाप रही जो से कौन प्रश्न आज क्राइम ब्रांच डीएसपी ज्ञान रंजन मिश्रा प्रतिक्रिया नहीं से कहते कि प्रश्नर उत्तर देखते किसी प्रश्नर उत्तर देना विद्यावारती पंडा संपर्क नहीं विभिन्न प्रश्नर उत्तर दे पारती जहाँ आमको विश्वसूत्र खबर पा जहाँ मिली जे डीएफओ किसी मात्र प्रश्नर केवल उत्तर देखते बारंबार परिश्रा जाती पानी पीछे एसी रूम बस आज झाड़ फुटी जहाँ सूत्र खबर पाई किंतु डीएफओ कौटी ना कौटी यह संपुक्त योजनाबद्ध हत्याकांड जहाँ स्पष्ट अनुमय हत्या मृत्यु तो निहत्यमय रही फेरबी जितेन्द्र आम सहित मनोज रही मनोज जहाँ सूचना दे जितेन्द्र वर्तमान जेरा सरी कि जहाँ प्रश्न पचराइला तार उत्तर देना विभिन्न आल देखाई एवं भी कहते जो इच्छा हेल्ले उत्तर देवी ना देवी आ सब बड़ प्रश्न जो वीडियो कथा आम चर्चा करुले से बसी किंतु सेटा मृत्युकालीन जमानबंदी बोली से जान नथिले एभली संभव कि डाक्टर बस तहसीलदार डाकुं से अच्छा कि जानना कौन हो देखो कमलाकांत एक आज नुहे एक घटना पर दिन ठू से तथ्य बदल बदल चेष्टा करते घटना घटी देखु डीएफओ जड़े सेठाकर वन विभाग अधिकारी अधीन थे एसीएफ समय रंजन चाकरी करते कि एसीएफ संदेहजनक मृत्यु होती डीएफओं कर्तव्य था डीएफओ मृत्युर रहस्य खोजा और तदंत दाबी करवा कि एगार दिन देखा मिलता से कार्यालय आसिले तापर पुलिस तदंत परिसर नाला पचरा उचरा कला और कौन मीडिया सामना को आसिले कि कौन उत्तर रखिले कौटिना कौटिंग जो घटना सब लुचे चलते मूलर ता स्पष्ट जना पड़ी प्रथम जहाँकि विद्याभारती कही डीएफओ सहित संपर्क ना कि चिन्हा परिचित ना कि पर मुहूर्त जना पड़ा डीएफओ सहित संपर्क थी आलोचना आउ विद्यावारती पंडा भितर संपर्क कौन कौन सर सौम्य परिवार गुरुतर अभियोग आपण आउ विद्यावारती पंडा अनैतिक संपर्क अच्छे कौन कह क्राइम ब्रांच एने किसी पचारे आप सर मृत्युकालीन जमानबंदी वाले आप कौन कर दयापूर्वक मत दिखा सर मारा आपण तदंत आपण तदंतर संपूर्ण सहयोग करचुंदी से कथा तदंतकारी ऑफिसर कहबे आपण निजर निज मत रखंतु आपण सर आपण मारा रखुन सर मारा पिछे कहबा नै मु दया करै छी दियो बिचारी सब परिवार जो अभिजो आपण दया करै मते छाडंतु मोर अन्य सरकारी काम अछि प्लीज प्लीज सर
देखुले डीएफ प्रतिक्रिया देखुले से विचलित अच्छा सांबादिक मैंने जहाँ प्रश्न पचार तार उत्तर देवा सीधा सड़क मना कर क्राइमब्रांच को कहि मुझे उत्तर देवाई बाध्य नुहे और जहाँ भी प्रश्न पचारे से विचलित भाई मन हो उत्क्षिप्त हो पड़ते सांबादिक मैंने जो प्रश्न पचारे कहते जे मु तदंतर ठीक भाव क्राइमब्रांच को सहयोग कर संपर्क में आग को कह मुबी ना ना से मोबाइल निर्भर करी बयान देखते सीधा सलख जितेन्द्र पाखु जी जितेन्द्र आम शुणुले प्रतिक्रिया आपठार तेज जितेन्द्र पाखु जी आलोचना करने तेज क्राइमब्रांच अधिकारी कौन प्रतिक्रिया रखते प्रथम आसतु ता शुणवा आज आप देखुं आज डीएफ को डाकी से केस मैटर उपर से इनसीडेट पर पचराउचरा कर भाइराल भिड को नहीं जो समस्त मध्य गोटे प्रश्न सृष्टि और पर लोक गोटे डाउट सृष्टि ही विभ्रांत आरंभ हो केस तेज कौन कहे सर ये नहीं आपण को ऊपर क्वेश्चन करछन मते कहले मु उत्तर देबि तार सर देखो नै कि काय लोक परिवार लोक जो ऑब्जर्व करथले आरंभ घटना आरंभ करथले एवं मृत्यु कारण जमान बंधा होइथले तो सेनी तदन दला के हां से ऊपर तं क्वेश्चन करा वाला अपन जो मृत्यु कारण जमान बंधा पत्नी कथा कहउछंती बा जो वीडियो कथा कहउछंती से भी एडमिट करले जे से गोटे एसी फिटिंग घरे से बसीथले मेडिकल रे सेठी डॉक्टर माने जीवाशिया करथले समथिंग लेखुथले बट व्हाट दे वर राइटिंग ही डजंट नो आ कोन कोन पचराला आर से इनसीडेंट केमी घटी से विशेष स्पॉट को जाते कि ना एवरीथिंग जहाँ प्रोसीडिंग जहाँ केस अभियोग करते मानते चाकर रिटायर करने टॉर्चर करा जाता एवं विभिन्न समय विभिन्न जगह पठा जा रात तेज ए दिग्वे जो मानसिक चाप दिया जो गोटे पर लोक अभियोग निश्चय जहाँ आसीपारी नहीं तदन करेणु जो आलिगेसन तर क्वेश्चन करा कि डिनर द चार्ज अबाउट रिलेशन विद्या भारती एंड ऑल्सो डिनर द चार्ज दैट रातर पठाऊ ये सब क्या करुते डिनाय कर विद्याभारती खूब शीघ्र पचार कौ फोटो क्या कहते हैं से फोटो मोर हस्तगत होता देखो बर्तमान इनिशियल चली मैंने जानते हैं पारालाखेम डायरेक्ट आसती पारालाखेम जो मैंने इनवल्व थे जो मैंने सन्देह आम कलु आम समस्त पचराउचर करुँ मुख्य साक्षी आप जाओ विद्याभारती कहते हैं पचराउचरा कर पचराउचरा कलापर घर लोक पचराउचरा कलापर सत्य सत्य जेरा कर मोटामोटी देखो मोर कर्तव्य है मुझे पचराउचरा करी पचरा सी जो रिप्लाई देते आई हाव टू नोट नोट इट डाउन मुझे एनालाइज करी क्रॉस एग्जामिन करी सत्य सत्य प्रकाश क्राइमब्रांच अधिकारी बाइट शुणुते से कहते विद्या भारती को आउ थे पचराउचरा आज डीएफओ को प्रश्न पचरा जा सब अभियोग को खंडन करु सेपटे आम बैट जिते शुणिले डीएफओं से विचलित भाई मन हो रागुले जदि से किसी भी करना तेज एभली प्रतिक्रिया निहती भाव सन्देह घर को आणुच्छी पुणि थे डीएफओ को आउ क्राइमब्रांच तदंत से आग को जीव एवं जो सौम्य परिवार को कथा कहुच्छे विद्या भारती कथा कहुच्छ ए समस्त को जोड़ी होगी गोटे पर गोटे क्षय सामना को आसूरी तेज आज डीएफओ को पुणि थे क्राइमब्रांच पचराउचरा कर प्रश्न बाण भितर आज विचलित देखा डीएफ बाबू और आग को ये जो तदंत रही पूरा राज्यवासी नजर रहा तेज बर्तमान मत विदाय दिंतु समय सर नमस्कार।